हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं डोमिनोज स्टाइल चीज़ बस पिज़्ज़ा। चीज़ बस पिज़्ज़ा बनाने के लिए ये 2 कप मैदे को हमने छान के लिया है। इसके साथ में 1 टेबलस्पून शुगर लिया है, 1 टेबलस्पून हमने ड्राई ईस्ट लिया है और स्वाद अनुसार नमक लेंगे जो मैंने 1 टीस्पून लिया है। तो आइए पहले हम बेस के लिए आटा लगा लेते हैं, पर उसके पहले हम इसको एक्टिवेट होने के लिए डालेंगे। ये मैंने एक बाउल ले लिया है जिसमें ये ड्राई ईस्ट मैं ऐड कर लेती हूँ और ये मैंने हल्का सा गर्म पानी करके लिया है, ये इसमें मैं ऐड करती हूँ। इसे हम एक्टिवेट होने के लिए 10 मिनट के लिए रखेंगे। साथ में ही मैं शुगर भी डाल देती हूँ इसमें। आइए फ्रेंड्स, अभी हम डो लगा लेते हैं। इसके लिए ये स्वाद अनुसार नमक हम इसमें ऐड करेंगे। जो ईस्ट हमने रखा था एक्टिवेट होने के लिए, ये एक्टिव आया है, अभी ये हम इसमें डाल देते हैं। चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे मीडियम कंसिस्टेंसी का आटा हमें लगाना है। जो थोड़ा बहुत पानी लगेगा वो हम डाल लेते हैं और इसका आटा लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आटा लगा लिया है। अभी हमने इसे वर्किंग सरफेस पर निकाल लिया है। तो ये मैं बटर लेती हूँ और इसमें धीरे धीरे करके ऐड करती हूँ। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके बटर हम इसमें ऐड करेंगे और इस तरह से इसे गूंथते रहेंगे। ये 1/2 टीस्पून मैं बटर इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए कंसिस्टेंसी, आप देखिए इसकी, हमें मीडियम कंसिस्टेंसी का चाहिए आटा, या एकदम पतला नहीं चाहिए। थोड़ा हम बटर इसको लगा लेंगे और इसमें हम इसे इस तरह से रखेंगे, 1.5 घंटा रखेंगे। आइए फ्रेंड्स, अभी हम ये देखिए हमारा डो जो है वो कितना अच्छे से फूल चुका है। इसे हमने 1.5 घंटे के लिए रखा था, आप देख सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए अभी हम इसे निकाल लेते हैं। थोड़ा सा हम इसे वापस से इस तरह से मसल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा बटर और ले रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैंने बटर लिया है और इसे हम अच्छे से वापस से, ये देखिए अभी हम इसमें से छोटे छोटे गोले निकाल लेंगे। 2 गोले निकालेंगे, एक थोड़ा छोटा साइज का और दूसरा थोड़ा सा उससे बड़ा। इसे हम 2 गोले इसमें निकाल देंगे। बाकी का आटा मैं वापस से बाउल में रख देती हूँ। इसके हम रोटी ऐसे बेल लेते हैं। मैं आटा लगा के इसकी रोटी बेलती हूँ। आप हाथ से भी कर सकते हो, पर मैं आसान से इसे लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके ऐसे पतली रोटी बना ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरी भी रोटी हम बना लेते हैं। इस तरह से थोड़ी इससे बड़ी चाहिए हमें, जो हमने पहले बनाई है
इसे हमें थोड़ा बड़ा करना है। थोड़ा सा ज़्यादा आटा लगा के आप इसे बेल सकते हो। ये मैंने बेल ली है। जो पहले वाली रोटी है हमारी, उसे हम तवे पे सेक लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसे हम तवे पे सेक लेते हैं। इसे हमें सिर्फ थोड़ा सा इसका जो कच्चापन है वो निकालना है। इसके लिए उसे सेकना है, मॉइस्चर रखना है उसमें, ज़्यादा ड्राई नहीं करनी उसको। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, अभी इसके ऊपर हम ये पिज़्ज़ा रखने वाले हैं। इसके लिए ये बेस को हम बटर लगा रहे हैं। ये रोटी है जिसे हमने सेका नहीं है, उसको हम इसके ऊपर डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा अच्छे से सभी साइड से भी शेप कर लेते हैं। अभी इसे हम फोक से, क्योंकि हमें रोटी को फुलाना नहीं है, इसलिए हम इसे इस तरह से फोक से फोल्ड करके ले रहे हैं। ये हमने अमूल का चीज स्प्रेड लिया है, ये हम इसके ऊपर स्प्रेड कर लेते हैं। तो स्प्रेड करते वक्त हम इसे थोड़ा सा एक आधा सेंटीमीटर से अंदर रखेंगे। साइड में हम इसे नहीं लगाएंगे, इसको अच्छे से स्प्रेड करना है, जनरसली स्प्रेड करना है, क्योंकि हमें चीज़ बस पिज्ज़ा बनाना है। जितना आपको पसंद है उतना चीज़ आप इसको लगा सकते हैं। ये फोक से हमने इसको अच्छी तरह से गोल कर लिए हैं सभी साइड को, ताकि ये रोटी फूले नहीं। हम इसे ऊपर से डाल रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बेस बना लिया है जिसके ऊपर हमने ये चीज़ को डाला था। तो अभी ऊपर से हम ये जो बेस हमने बनाया है, जो हमने इसे इस तरह से करना, और ये जो साइड का है इसे हमें ऊपर लेना है इसके। सभी साइड से अच्छे से हम इसे ऊपर कर लेंगे, ताकि हमारा जो चीज अंदर हमने भरा है वो बाहर ना निकले। इसे हम अच्छी तरह से ये देखिए हमने क्लोज कर लिया है। अभी हम ऊपर से इसे सभी बाकी के जो सॉसेस वगैरह हमें लगाने हैं वो लगा लेते हैं। आइए फ्रेंड्स, अभी ये बेस हमने बना लिया है, तो ये पिज्ज़ा सॉस है, रेडीमेड का पिज्ज़ा सॉस मैंने लिया है। तो ये इसके ऊपर हम डाल लेते हैं और इसे वो अच्छे से स्प्रेड करते हैं। तो पहले मैं ये मैंने गोश्त का मोजरेला चीज़ लिया है, ये मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डालती हूँ घिस के। मैंने कुछ सब्जियां ली है जिसमें मैंने सभी तरह के बेल पेपर्स लिए हैं, येलो रेड और ग्रीन। ये प्याज है, टमाटर हमने डीसीड करके लिया है, जिसका हमने अच्छे से पूरी तरह से अंदर का जो घर है उसे निकाल के लिया है। ये बेबी कॉर्न लिए हैं और स्वीट कॉर्न के हमने कुछ दाने लिए हैं।
तो ये हम जैसे हमें पसंद है वैसे इसके ऊपर डाल देते हैं। आपको जो सब्ज़ी पसंद है आप वो डालिए, ऑनियंस भी डाल सकते हैं, मशरूम भी डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सब्जियां डाल ली है। अभी ये ओरिगैनो लिया है मैंने, ये इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देते हैं। कुछ हमने चिली फ्लेक्स ली है, ये भी इसके ऊपर डाल देते हैं। अगर बच्चों के लिए चाहिए तो आप ये स्किप भी कर सकते हो। ये अमूल का मैंने प्रोसेस चीज लिया है, अभी ये प्रोसेस चीज मैं इसके ऊपर डालती हूँ। ऐसा हम ऑरिगैनो आप इसे इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। मोज़रेला चीज़ का एक और लेयर देती हूँ। ये हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही चीज़ी बनने वाला है, जैसा कि डोमिनोज का होता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं साइड का ये सब हटा लेती हूँ। वापिस ये थोड़ी सी शिमला मिर्च जो है बेल पेपर वो ऊपर से हम डाल लेते हैं। ये कुछ कौन सा मिला डालते हैं, ऑरिगैनो हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे और वापस से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स हम इसके ऊपर डाल लेते हैं। इनको हमने 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे प्री हीट करके लिया है। अभी ये पिज़्ज़ा इसमें हम डाल लेते हैं और इसे 15-20 मिनट के लिए हम बेक होने देंगे। डोमिनोज का ये चीज़ बस पिज़्ज़ा कितना अच्छा बना है आप देख सकते हो। मैं इसे आपको काट के भी दिखाने वाली हूँ, पहले मैं इसे थोड़ा ठंडा होने देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना चीज़ी बना है हमारा पिज़्ज़ा, पूरा चीज़ इसमें से बाहर आ रहा है। बहुत ही अच्छा बना है हमारा पिज़्ज़ा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपीज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।